देश भर में आज ये संदेशा पहुंचे कि भारत अब निकल पड़ा है, भारत तेज गति से आगे जाने वाला है, भारत का भविष्य उज्जवल है और उसकी नींव हमारी नारी शक्ति है, हमारी बहनें हैं। आज जो उत्साह, जो जुनून, जो सपने मेरे सामने देख रहा हूं, वो मुझे भी प्रोत्साहित करते हैं, मुझे भी और काम करने के लिए हिम्मत देते हैं। और जब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आज के कार्यक्रम के बारे में बताऊंगा, जब आपके प्रेम, आपके उत्साह, आपका जो उमंग है, जो भविष्य के लिए आप सब ने संकल्प लिया है कि हम सब मिलके एक नया भारत बनाएंगे, एक ऐसा भारत जहां कोई भी व्यक्ति गरीब ना हो, एक ऐसा भारत जहां हर नारी को अवसर मिले, मौके मिले, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए, एक ऐसा भारत जहां हर युवा युवती को मौकों का बौछार हो, एक ऐसा भारत जहां ये जो 25,000 हमारी बहनें इकट्ठी हुई हैं, ये चेंज मेकर्स, ये जो बदलाव के राजदूत आज हमारे समक्ष एकत्र हुए हैं, इनकी एक एक की कहानी, एक एक के सशक्तिकरण की लेखा जोखा, जो प्रेरणा आप सब भारत जाके, भारत के कोने कोने में जाके हमारी माता बहनें बेटियों को देंगी, वो इस देश की हर नारी को और प्रोत्साहित करेगा, और तेज देगा, और उत्तेज देगा। कैसे आप सब मिलके इस देश को एक समृद्ध देश, 2047 में जब हम सब आजादी के 100 वर्ष मनाएं, तब भारत विश्व के उन चंद देशों में होगा जहां पे हर व्यक्ति की हर जरूरत पूरी हो, जहां हर परिवार को सुख समृद्धि मिले और देश में राम राज्य स्थापित हो। मैं प्रवीण खंडेलवाल जी को कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, कैट की पूरी टीम को, भरतिया जी को, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस, सभी को तहे दिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से सरकार के साथ भी संवाद बनाया, सरकार को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे ईमानदार व्यवस्थाओं से अच्छी तरीके से की जा सकती है, उसके लिए कैसे अच्छे कानून बने, अच्छे नियंत्रण में पूरे क्षेत्र को लाया जाए, चिट फंड जैसी जो बीमारियां थी देश में, उसके साथ जो डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ा जाता था, उसको अलग करने का जो काम आप सबके माध्यम से, आप सबके प्रयासों से, आप सबकी मेहनत से करने में हम सफल हुए, मैं समझता हूँ उसी का परिणाम है कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार व्यवस्थाएं भी चला रही है, हमारी माता बहनें बेटियों को नए अवसर दे रही है, नए नए तरीके ढूंढ रही है जिससे समाज के हर वर्ग की
जरूरतों को हम पूरा कर सके। युवा युवतियों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो भी नए नए आइडियाज लाकर देश में अच्छी गुणवत्ता वाला सामान कम कीमतों में सही दाम पर उपलब्ध कराने में मेहनत करे और लाखों हमारी बहनों को रोजगार और काम का साधन बने, आमदनी का साधन बने। मेरा पक्का विश्वास है कि आज जब हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मिलके मना रहे हैं, साथ ही साथ महाशिवरात्रि का पावन दिन है, ऐसे दिन में इतनी बड़ी संख्या में जो आप सब एकत्रित हुई हैं, ये दर्शाता है कि सृष्टि के कर्ता भगवान शिव जैसे मां शक्ति के बिना अधूरे हैं, वैसे ही भारतवर्ष भी नारी शक्ति के बिना अधूरा रहता है। और आप सब शक्ति के प्रतीक, आप सब ईमानदारी के प्रतीक, आप सब एक उज्जवल भविष्य के कर्ता धर्ता के रूप में देश के विकास की यात्रा जो है, इसमें अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की रहेगी तो वो आपकी रहेगी, हमारी बहनें माताओं की रहेगी। वैसे तो मेरे सामने मैं आज साक्षात माँ दुर्गा को देख रहा हूं, माँ काली को देख रहा हूं। मेरे सामने आज मैं साक्षात रानी लक्ष्मीबाई को देख रहा हूं, दुर्गावती देवी को देख रहा हूं। उसी कड़ी में आज के संबंध में देखें तो मेरे सामने मैं आज हजारों सुधा मूर्ति को देख रहा हूं, सुचित्रा एला को देख रहा हूं। आप सबको सूचना तो पहुंच ही गई होगी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सुधा मूर्ति जी, जो इंफोसिस के पीछे एक शक्ति के रूप में नारायण मूर्ति के साथ कंधे से कंधा मिला के आज जो विश्व में भारत के आईटी सेक्टर का परचम फैल रहा है, जो भारत के आईटी सेक्टर की पूरी दुनिया में चर्चा है, उसकी नींव जो इंफोसिस जैसी कंपनी ने रखी थी, उसके पीछे जो ताकत थी, वो सुधा मूर्ति जी को आज राज्यसभा में उनको नॉमिनेट किया गया है। एक प्रकार से बहन सुधा जी आप सबके प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा में सेवा करेंगी, राज्यसभा में अपना काम करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम उज्ज्वला योजना के तहत जो 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को धुएं से मुक्ति देने वाली योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कुकिंग गैस कनेक्शन पहुंचाया, उन सबको प्रतिवर्ष 12 सिलेंडर पर 300 रुपए तक की छूट सब्सिडी देने का निर्णय लिया। ये अगले एक वर्ष तक हर परिवार को लगभग 3,600 रुपए का सीधा लाभ पहुंचाने की दृष्टिकोण से किया गया है। उसी के साथ साथ आज सुबह एक और खुशखबरी
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मिली कि सिलेंडर का दाम और 100 रुपए कम कर दिया गया। विकसित भारत की जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है उसमें आप सबका डबल योगदान रहने वाला है। और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मैं क्यों कहता हूं कि हर एक नारी, हर एक बहन जो काम के लिए निकलती हैं, जो फॉर्मल वर्कफोर्स में जो भाग लेती हैं, किधर नौकरी करती हैं, किधर अपने खुद का व्यापार करती हैं, उद्योजक के रूप में निकलती हैं, मुद्रा लोन लेके अपने खुद का कारोबार शुरू करती हैं, जो हर एक महिला इस प्रकार से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए काम के लिए निकलती है, वो वास्तव में एक गुना नहीं 2 गुना अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है। और ये मैं ऐसे ही राजनीतिक वाक्य नहीं बोल रहा हूं, प्रवीण जी जानते हैं, आप सब जानते हैं कि मैं तो अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का एक छोटा विद्यार्थी हूं। जब आज के दिन हमारी माता बहनें घर पे काम करती हैं और दुनिया भर के काम करती हैं घर पे, तो वो देश की जीडीपी में उसका आंकड़ा नहीं आता है, पता नहीं चलता है कि उनका योगदान कितना महत्वपूर्ण है, उसको गिना नहीं जाता है कि देश की जीडीपी में आपका कितना बड़ा योगदान है। जब आप घर भी संभालते हो, घर की रोजमर्रा की जरूरतें संभालते हो, घर को संवार के रखते हो, घर को साफ सुथरा रखते हो, हम सब की चिंता करते हो, हमारा ध्यान रखते हो, बच्चों का ध्यान रखते हो, बच्चों को पढ़ा लिखा के एक अच्छा नागरिक बनाते हो, ये कई बार गिनती में नहीं आता है। लेकिन जब हमारी माता बहनें व्यापार करने निकलती हैं, किधर नौकरी करती हैं, डायरेक्ट सेलिंग का काम करती हैं, तो एक तरफ आपके इस काम का, चाहे वो तनख्वाह हो, चाहे वो आपकी डायरेक्ट सेलिंग की आमदनी हो, चाहे वो आपके बिजनेस का प्रॉफिट हो, ये एक तरफ जीडीपी में जुड़ता है, जीडीपी के आंकड़े को बढ़ाता है, फॉर्मल इकोनॉमी और मजबूत होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो आज हमारी माता बहनें जो काम करती हैं, चाहे वो खेत में हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे बच्चों का पालन पोषण हो, जो काम आज आप घर पे करते हो, वो काम कोई ना कोई और व्यक्ति या कोई ना कोई मशीन उस काम को रिप्लेस करती है, आपके बदले वो काम कोई और व्यक्ति या कोई और मशीन करती है। कैसे? कि बर्तन धोने के लिए घर में डिशवॉशर आ जाता है, कपड़े धोने के लिए घर में वॉशिंग मशीन आ जाती है, ड्रायर आ जाता है, माइक्रोवेव मशीन आ जाती है। आप सब देखते होंगे कि आपके पीछे जब आप काम पे निकलते हो तो कोई ना कोई पुरुष, कोई ना कोई महिला आपके घर पे आके रोजमर्रा की जरूरतें, रोजमर्रा का काम करते हैं, आप उनको आमदनी देते हो, उनको तनख्वाह देते हो, वो भी इकोनॉमी में जुड़ता है। तो जो आज का काम आप कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बनने के पहले, वो काम जो मशीन
या जो व्यक्ति अब करेगा वो भी इकोनॉमी को बल देगा और आपका काम भी इकोनॉमी को बल देगा। इसीलिए एक एक महिला जीडीपी में दो गुना योगदान देती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार सदैव सदैव नारी शक्ति को केंद्र बिंदु रख के अपनी सभी योजनाएं बनाती हैं। आप जानते हो मुद्रा योजना है जिसमें बिना गारंटी के, ऐसा नहीं है कि बैंक गारंटी नहीं लेती है, बैंक आपसे गारंटी नहीं लेती है, मोदी जी गारंटी करते हैं जब आपको मुद्रा लोन दिया जाता है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो आज तक मुद्रा लोन दिए गए उसमें दो तिहाई लगभग 70% मुद्रा लोन माता बहनों ने लिए। आपको जान के ताज्जुब होगा जो 4 करोड़ हमारे गरीब भाई बहन परिवारों को और एक प्रकार से 20 करोड़ लोगों को सीधा इसका लाभ मिला, जो 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बने उसमें 72% घर का मालकिन घर की महिला है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उसमें 81% महिलाएं हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो 50 करोड़ जनधन खाते बने हैं, जीरो बैलेंस खाते प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुलवाए हैं, उस 50 करोड़ खातों में 56% महिलाओं के जनधन अकाउंट है। आज विश्व में सबसे ज्यादा इंजीनियर, डॉक्टर, मैथमेटिक्स के ग्रेजुएट, साइंस के ग्रेजुएट्स भारत से निकलते हैं और उसमें भी 43% स्टेम ग्रेजुएट्स हमारी बहनें हैं। चंद्रयान 3 किसने लीड किया था? बहन कल्पना ने। अब देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को किसने चुना? आप सब ने, भारत ने देश की पहली महामहिम राष्ट्रपति जो आदिवासी क्षेत्र से आती है, और अब तो ये स्थिति हो गई है कि चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स, हमारी बहनें अग्रसर हैं। और हमने 26 जनवरी को जो परेड देखी उसमें सबसे अधिक जो इस परेड में भाग लिया वो हमारी बहनों ने लिया। नए संसद भवन में सबसे पहला जो कानून बना वो भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अब पार्लियामेंट और असेंबली में 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया है। प्रवीण जी, अगली बार तो हमारी डायरेक्ट सेलिंग की बहनों में से, व्यापारी बहनों में से
कोई ना कोई पार्लियामेंट में जाए, आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी रहेगी। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, जब महिलाएं समृद्ध होती हैं, तो देश मजबूत होता है, देश सशक्त होता है, देश सशक्त बनता है। हमें आगे चलकर महिलाओं को और अच्छा पढ़ लिख के देश के लिए काम करने के लिए और प्रोत्साहित करना है। हमारे बहनों को, हमारी बेटियों को पढ़ लिख के बड़े बड़े पदों पर बिठाना है, चाहे वो FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग के छोटी छोटी इकाइयां हो। हमने छोटे छोटे शहर में, दूर दराके के इलाकों में महिलाओं को और मौके देने, उनको और आगे लेके जाना है। और ज्यादा कार्यक्रम इस प्रकार के हों जिससे एक संदेशा जाए पूरे देश में कि अब महिलाएं निकल पड़ी हैं, अब दुनिया की कोई ताकत भारत की बहनों को रोक नहीं सकता, अब हमारे हथकरघा, अब हमारे विश्वकर्मा, अब हमारे कारीगर बहनें अपना जो सामान बनाएंगी वो पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम हम सबको मिलके करना है। आने वाला अमृतकाल, ये 25 वर्ष आपके उज्जवल भविष्य का अमृतकाल है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार एक निर्णायक, ईमानदार, देश के प्रति समर्पित, मेहनती सरकार फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में अगले 25 वर्ष के लिए इस देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए का अपना कर्तव्य निभाएगी। प्रवीण खंडेलवाल जी को आप सब चांदनी चौक से इतनी भारी बहुमत से जिता के भेजना कि पूरा देश और दुनिया देखे कि अब यह व्यापारी वर्ग पूरी तरीके से सशक्त भी है, अपनी जिम्मेदारी भी समझता है और अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा। तो बोलिए मेरे साथ फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरी शुभकामनाएं, महाशिवरात्रि के शुभ अवसर की बधाई और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार।